नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। लॉकडाउन 3.0 के बीच आज से 15 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। कंफर्म ई टिकट वाले यात्रियों के स्टेशन पहुंचने पर रोक नहीं, स्टेशन में एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण वो नहीं कर पाएंगे ट्रेन का सफर, कन्फर्म रेल टिकट स्टेशन तक पहुंचने का पास होगा। तो ये अहम जानकारी है, स्टेशन पर जाने से पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। जिन यात्रियों में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। जो कंफर्म रेल टिकट आपके पास होगी वही स्टेशन तक पहुंचने का पास होगा। तो लॉकडाउन 3.0 और इसी के बीच ये राहत, 15 ट्रेनें आज से चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। और कौन कौन सी वो ट्रेन है, कहां तक जाएगी, आप ये देखिए। नई दिल्ली से हावड़ा स्पेशल 13 मई से रोजाना, ये धनबाद इसका स्टेशन होगा, वहां पर रुकेगी ये, कहां कहां पर रुकेगी। इसके बाद ये गया इसका अगला स्टॉपेज होगा, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रुकेगी ये ट्रेन, नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल, प्रयागराज भी इसका स्टॉपेज है, कानपुर सेंट्रल होते हुए ये आगे जाएगी। तो जो ट्रेन आज से शुरू हो रही है उनका रूट क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। राजेंद्र नगर नई दिल्ली स्पेशल पटना जंक्शन रुकेगी 12 मई से रोजाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी इसका स्टॉपेज होगा, साथ ही कानपुर सेंट्रल पर भी रुकेगी ये ट्रेन, राजेंद्र नगर नई दिल्ली स्पेशल। कृपया ध्यान दीजिए, 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस खचाखच भीड़ से भरे रहने वाले इन वीरान स्टेशन्स पर अब तक जो खामोशी थी उस खामोशी को खत्म करती भारतीय रेलवे की आवाज सुन रहे हैं, वो आवाज जो बीते 50 से ज्यादा दिनों से गुम थी। कृपया ध्यान दीजिए, 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। इन खाली पड़ी उदास वीरान पटरियों पर ये कोरोना से लड़ते देश में उम्मीद और नए कल के हस्ताक्षर, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है लोहपथगामी। अपने इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर को पीछे छोड़ फिर भारतीय रेल तैयार है आपको अपनी मंजिल तक एक बार फिर सकुशल पहुंचाने के लिए। 15 विशेष ट्रेनें जाएंगी और यही ट्रेनें वापस भी आएंगी। 22 मार्च 2020 का जनता कर्फ्यू अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी हो गए, 31 मार्च तक देश में सभी तरह की रेल सेवाएं बंद, और इसके बाद इस बंद में बढ़ोतरी होती चली गई। लेकिन अब पहली बार रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेन चलानी शुरू की है। IRCTC ने बीती शाम से स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी। इसी दौरान हावड़ा दिल्ली ट्रेन के AC1 और AC3 के टिकट केवल 10 मिनट में खरीद लिए गए। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में SOP जारी की है, जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। अब एक तरफ भारत सरकार के फैसले के बाद 10 मिनट में बुक हुई ट्रेनें तो ये बताती हैं कि PM मोदी ने देश की जरूरत को समझते हुए इस फैसले को हरी झंडी दी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल ट्रेन चलाने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 12 मई से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की वजह से वायरस फैलने का खतरा बढ़ेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने भी इस महीने के आखिर तक नियमित रेल सेवा और हवाई सेवा न शुरू करने की अपील की है। पलानीसामी ने कहा कि चेन्नई में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए उनके राज्य में रेल सेवा 31 मई तक शुरू न की जाए। इसी तरह से सारे सरकार में हाईएस्ट लेवल से लेकर और स्टेट्स में लोएस्ट लेवल तक सब मिलकर पूरे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये लोगों को बद हालात देखते हुए मैं सरकार को जरूर ये नसीहत देंगे कि प्राथमिकता के तौर पर ये इन लोगों को पहले भेजा जाए, और साथ साथ जो सरकार जो कदम उठा रहे हैं उठाते रहे, लेकिन फिर भी जो भी करे वो निर्णायक ढंग से करे, आधे अधूरे ढंग से कोई काम ना हो तो बेहतर होगा। भारतीय रेल तो अपने साथ यात्रा करने वाले हर यात्री की जांच करेगा ही और फिर
रेल से यात्रा करने वालों को क्वारंटीन करने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।